क्या बना रहा है? अरे शम्स। हाँ शम्स, देखो आज मैं तुम्हें कबाब बनाने सिखाऊंगा एयर फ्राई में, और ये तुमने आगे जाके बेचने हैं। बेचने? पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये कौन है? ट्रिपल प्रॉफिट में। ट्रिपल प्रॉफिट? ठीक है, बेच देंगे। हाँ, ये क्या है? ये है, ये ढोलकी है। ढोलकी है, बजाओ। इसमें जो खाना डालते हैं तब बजती है, इसको सुनना पड़ता है। अच्छा, बज रही है अंदर, आवाज आ रही है। हाथ डालो, हाथ इसमें अंदर। नहीं, हाथ मेरा इसमें नहीं जाएगा। अच्छा फिर ठीक है। हाथ सुखाने वाली मशीन भी लगती है। आप बैंगन की खीर बनाएंगी? मैं अभी तो नहीं बनाऊंगी, वो रमजान के बाद बनाऊंगी। रमजान में खाता नहीं ना। हाँ, बैंगन की, वो आपके लिए, आपकी फरमाइश है तो बना देंगे। मुर्गी के पाए? वो आपके लिए, आपके फेवरेट आप बनाएंगे। ठीक है, तुम ये क्या है, ऑपरेशन करने लगे हो? हाँ, ऑपरेशन मुर्गी का। देखो मैं जब कह रहा हूँ ना, जो वो उसको गौर से देखना और सुनना। क्या एग्जामिन करने लगे हैं शम्स को? अरे आ गया मेरे हाथ में। आहा, अबे तुम्हारे साइज के तो ग्लव्स भी नहीं मिलते। आ गए ना, ये तो कह कर रहे हैं ये। हाँ, ये शुक्र है। तो ऐसे फूक तो भरो। हाँ, पानी भर के ऐसे ऐसे घुमाएंगे फिर। क्या बात है, आप क्या बना रही हैं? मैं तो बना रही हूँ यहाँ पर गार्लिक बटर प्रॉन्स बना रही हूँ, तो वो बनेंगे। हाँ जी, चटपटे से, मजेदार से बनेंगे। प्यास लगेगी खा के? कोई बात नहीं, कभी कभार खा लेने चाहिए। रमजान है, हर चीज खानी चाहिए। हर चीज खानी चाहिए, सुन रहा है? रमजान में। अच्छा। रमजान ही कहा ना मैंने। हाँ। इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने दी है। बिल्कुल। जॉय करें आप। बिल्कुल। आप प्रॉन्स बना रही हैं? जी। आप क्या बना रहे हैं? कीमे के कबाब एयर फ्राई में। कीमे के कबाब एयर फ्राई? चिकन कीमा। चिकन कीमा। अब तुम बताओ इसको क्या ऐसे इसको हवा में तलोगे? इसके अंदर जाएगा। अच्छा, इसके अंदर इतनी सी हवा में? इतनी सी हवा है। तो ये क्या है? मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें आ रही हैं। क्या बात है रे भाई, थक ना जाए हमारे मेहमान। तो इसको क्या कहते हैं? यार शिमला मिर्च। मिस दीज कैरेक्टर। शिमला मिर्च भी कैसे? मैं बाहर आ गया हूं। नहीं नहीं, कैप्सिकम। ये हम दे चिकन का कीमा लिया। अबे उर्दू में बताओ भाई। शिमला मिर्च दोनों कहते हैं इसको। ठीक है, शिमला, ये हमने लिया चिकन। कैप्सिकम निकलता नहीं है ना मुंह से, कैप्सिकम सुम हो जाता है। चिकन का कीमा लिया। अभी तक लोग कहते हैं जेली पीनो, ये भी है जे के साथ बोलते हैं। हमने इसमें डाला ये बकौल कुरैशी साहब शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज डाली इसमें, चिकन का कीमा है, इसमें थोड़ा सा नमक डाला, काली मिर्च डाली, ये क्या है, हल्दी डाली, ठीक है, ये धनिया डाला, ये भी ठीक है, ठीक है, पर डालते ही रहोगे कुछ आगे भी करो। थोड़ा गरम मसाला, इसके बाद सब खत्म। यार ये रह गया, और क्या रह गया? अब इसमें पानी डाल दे। गार्लिक। गार्लिक मजाक नहीं समझो, ये बहुत मजेदार बनेगा। अच्छा सही। सीरियस नहीं ले रहे तुम कुरैशी? बहुत सीरियस। अभी कह रहा था सीरियस नहीं होना चाहिए, अब सीरियस हुआ। खाना बनाते हुए सीरियस होता हूँ बहुत बहुत ज्यादा। हाँ। तो मैं भी ख्याल से बोलती हूँ। कब कब सीरियस होते हो मुझे पता है। अच्छा चाहिए। कब कब सीरियस होते हैं नहीं बता सकता। खाते वक्त भी? खाते वक्त बहुत सीरियस होता है। और खाना ना मिले तब? तब तो ऐसा सीरियस होता है सर छोड़ के चला जाता है वक्त पे। चिनार खान पौनी के जी। अब ये हम इसके बनाएंगे। हम अचानक से अपना कैरेक्टर में आ गया। ये वैसे इसका कोई थोड़ा एक्सेंट का प्रैक्टिस किया तुम? बहुत प्रैक्टिस किया हमको असल में। मुझे असल में प्रैक्टिस करवाई खालिद भट्ट साहब ने, तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। कमाल काम। हाँ, हम सबको एक्चुअली हम सबको प्रैक्टिस कराने में भट्ट साहब का बहुत बड़ा। अच्छा, ऐसे होता है कभी एक्सेंट करते करते निकल जाते हैं, भूल जाते हैं, लाइनें कर रहे हैं भूल गए कि एक्सेंट भी है? क्या मतलब भाई, भूल कैसे जाते हैं? नहीं मतलब भूल जाए ना सीन करते हो यार। हाँ। मैं तो अपने एक्सेंट में। नहीं नहीं, अब तुम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे होते हो, भूल जाते हो बीच में क्या? घर की बातें शुरू कर देते हो। एक्सेंट एक्सेंट हां वैसे भूल जाते हैं ये जास तो भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता भाई, याद रहता है एक्सेंट में ये रहना है और उसको एक्सेंट को ले लेके चलना है साथ। नहीं ऐसा होता है कभी कभार, हम मैं एक ड्रामा कर रहा था उसमें एक वो लड़का था, वो उसकी नॉर्मल एक्सेंट था, बल्कि अक्सर हुआ ऐसा, तो वो जब मेरे से बात करने आया ना तो वो नॉर्मल एक्सेंट छोड़ के मेरे एक्सेंट में आ गया। मैंने कहा भाई तुम्हारा ये नहीं है, ये मेरा कैरेक्टर। ओह सॉरी। नहीं नहीं, होता है जैसे दुर्रे के साथ सीन था ना, क्योंकि दुर्रे की हमने बिल्कुल उर्दू रखी थी, वो बाहर से आई है तो वो बिल्कुल उर्दू बोलती थी, अब मेरा थोड़ा सा एक्सेंट था, तो कभी कभी मैं थोड़ा नॉर्मल होने लगता था, फिर मैं कहता था नहीं नहीं नहीं। ये ड्रामे में फायरिंग वगैरह इतनी दिखाई है, असल में होती है आवाजें आती हैं? नहीं वो मिलती हैं। नहीं कहने का मतलब वो आवाज उतनी आवाज तेज होती है ना, ये हाँ। तो आवाज का बड़ा डर लगता है। क्यों तो बड़ी तेज आवाज होती है, सब भी पटाखा भी बजाते हैं। गोलियां नहीं चलाई? नेवर। अबे तुम कराची में रह रही हो, क्या बातें कर रही हो? बहुत डर लगता है। मैं तो शुक्र ऐसे शूट में बंदा कितना तंग हो।
आवाजें थर 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 कितने फायर किए हैं ड्रामा? पता नहीं, मुझे याद भी नहीं कितने किए। मैं अभी एयरपोर्ट पे जा रहा ना, मुझे वो रेंजर्स वालों ने रोक दिया। तलाशी लेंगे हम आपकी। मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, आप तो बड़ी बंदूकें बंदूकें लेके फिरते हैं, नीचे आए जरा, पूरी तलाशी होगी। बिल्कुल सही। मैंने कहा मेरी दाढ़ी भी नहीं है, मैं वो नहीं हूँ। मैंने एयर फ्रायर में अब इसको डालना है, जब तक आप लोग स्टार्ट करें। चलो ठीक है। रेसिपी यही थी कि बस इसमें हमने चिकन का कीमा लिया, उसमें हमने हरा धनिया डाला, प्याज डाली, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, हल्दी, धनिया, जीरे का पाउडर डाला थोड़ा सा, काली मिर्च, नमक और गार्लिक पेस्ट, वो जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो डाल के सब मिक्स किया। और उसके बाद आप तुम कह रहे थे कबाब, ये तो चूहे बनाए थे। अरे भाई, ये जब बन जाएंगे तो कबाब लगेंगे। शेप है ना ऐसा, आपकी मर्जी है, आप जिस शेप में। आए, अब तो मैं इफ्तारी में नहीं खाऊंगा। ये देखो जरा, दुम थोड़ी है इसकी। कैमरे में दिखाओ, खाने की चीज है। जैसे कैमरे में दिखाओ, अभी कच्चे हैं, पके हुए दिखाऊंगा। चलो पके हुए दिखाओ। अब ये इसमें जाएंगे जब तक आप बनाए। चले, जब तक हम अपना काम करते हैं। आप स्पेशल कुकिंग करते हैं वैसे? हैं, स्पेशल कुकिंग करते हो? मैं भी कर लेता हूं। क्या? कुछ भी बना लेता हूं। ये सब? हां हां। घर में बनाते हो शौक से या नहीं? नहीं बनाता हूं, सना नहीं बनाती खाना। अच्छा, ये मैंने यहां पर बटर लिया और थोड़ा सा इसके अंदर आके ना चूट से आके ना खाई ऐसे ये फॉरन। नहीं, ऐसा नहीं है। एप्रन पहना, हाँ भाई आज क्या खाना है सबने? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं स्पेशल ओकेशंस पे बनाता हूँ। अरे यार, उनको बस कौन से स्पेशल ओकेशन होता है? छुट्टी हो गई, कोई ईद का दिन हो गया, ऐसे एनिवर्सरी। अच्छा, तो डेली का नहीं है? नहीं नहीं। आपने क्या क्या? बटर लिया, बटर लिया, ऑयल लिया, और क्योंकि गार्लिक बटर है तो हम इसमें जो चॉप्ड हमारे पास फाइन बहुत अच्छा पेस्ट, मैंने इसमें लहसुन का है वो भर के 1 टेबल स्पून वो शामिल कर दिया। उसके साथ मेरे पास यहाँ पर प्रॉन्स झींगे हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। महंगा खाना बना रही हैं फरा जी? नहीं, कभी कभार चलता है, रोज नहीं बनाते हम, कभी कभार चलता है। मेहमान, आप मेहमान है ना हमारे, स्पेशल मेहमान है। ड्रामों में होता ना, लड़की को देखने आ रहे हैं। हाँ, बच्ची को देखने आ रहे हैं। अच्छा, रमजान में एक फायदा बड़ा होता है, अगर आम मुंह है उन लोगों का जो लड़की को देखने आते हैं और उल्टी सीधी बातें करके जाते हैं और इतना सारा खा के भी जाते हैं। ये भी तो बताया, खा के भी जाते हैं। आपकी बच्ची के दांत जो हैं, आपकी बच्ची के, तुम्हारा पुत्र की पचास दी औलाद है। ठीक है, अच्छा अब हम इसके अंदर मसाले दूसरे ऐड करते हैं। बहुत ही आसान है, बस मसाले इसके अंदर ऐड करना, ये तो बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून प्याज है, इसको मैंने फाइन अच्छे से ग्राइंड कर लिया है ताकि हमारी ग्रेवी भी थोड़ी सी इसमें बन जाए, ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए हमें। अच्छा, इसमें चाट मसाला और जीरा पाउडर। 7 मिनट में बना लेते हैं। अरे भाई, मॉर्निंग शो कर रहे हैं, लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई है, कमाल है यार। गरम मसाला और मजे का होता है, ये नहीं जैसे चलावा का, काली मिर्च, मजे का होता है। ये लोग सारे बड़े तेज हैं भाई। लाल मिर्च, और रमजान ट्रांसमिशन में तो आपके पास है ही यही टाइम, इसी में बनाना है। ये है हमारे पास कसूरी मेथी, सारी चीजें आप लोगों ने सिखाई है मॉर्निंग शो में बुला बुला के, नादिया ने, आपने, आप लोगों ने सिखाया है। ब्रेक आने वाली, ब्रेक आने वाली। अच्छा, इसके अंदर मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा नमक। मेरे भी साथ साथ हेल्प कर जाते हैं, ये ऐसे बना दें, ये ऐसे कर दें। बड़ा बहुत मजे के खाने बनाते हैं। थैंक यू। बस इसको हमने इतना पकाना है कि ऑयल ऊपर आ जाए, उसका पानी एक्स्ट्रा है, वो जल जाए तो हमारे प्रॉन्स तैयार हो जाएंगे। बस इतनी सी देर है, उसके बाद थोड़े ना ऐसे कड़क कड़क मजे के लगते। हाँ, कम कम पकाने चाहिए, कम पकाने चाहिए, ज्यादा नहीं पकाने चाहिए। अच्छा, लेमन जूस, हरा धनिया और हरी मिर्ची, वो लास्ट में इसके ऊपर हम इसको गार्निश करेंगे। 2 मिनट पकाएं प्रॉन को, ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। हाँ, ज्यादा हार्ड हो जाते हैं वो, बहुत ज्यादा हल्की आंच में नहीं बनाना चाहिए, तेज आंच में 2 मिनट, 2 मिनट बस आप इसको बनाए। लेमन जूस और आउट ऑफ शेप, कैसे हरी मिर्ची, थोड़ा सा प्रॉन्स, धनिया और नमक का इस्तेमाल कम करें। कभी भी आप फिश बना रहे हैं, प्रॉन्स बना रहे हैं, तो नमक का इस्तेमाल कम करें, ज्यादा आप इसके अंदर नमक ना ऐड करें, ये जरूरी है। नमक बाद में डालें, बाद में डालें आप इसका नमक, बाद में डालें, इससे होता है। और ये भी बताएं कि प्रॉन्स में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है? कोलेस्ट्रॉल तो ज्यादा होता है, अगर आपको हाँ ये प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी इसको ना खाएं। चीजें मजे की है, लेकिन बहुत हेल्दी भी है। मैंने इस दफा योगर्ट सूप किया, वो मुझे मैंने बनाना है, किसी इनसे बनवाऊं? एक दिन अफ्तारी में ना फिश और प्रॉन हो ही जाए, हो ही जाए, बहुत अच्छा लगता है। और मक्खन में बने हुआ तो क्या बात, क्या है, गार्लिक की खुशबू जो आती है ना, उसको फ्लेवर फ्रेश, क्या मजा आ जाता, क्या बात। बस आज नान खाएंगे, नान मंगवा ले और बस खाते हैं। और अभी गपशप रहती है, पैसे अभी भी हमारे साथ हैं, हम चलते हैं उस तरफ
और हम आपको दिखाएंगे भाई ये भी करेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अच्छा हो गया, रिकैप भी होगा, ब्रेक भी लेंगे और दिखाते हैं आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट। लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं और कपशप कुकी वैसे कुरैशी से कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस क्योंकि लाइफ ग्रीन है। तुम बर्तन धो देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।